स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश पांडे आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। चलो उसको सीखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा हम कम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये रिएक्शंस तो काफी पढ़ते हैं, मगर हम कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। मगर चलो मैं दोनों को डिटेल में डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। इसका इस्तेमाल बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन में काफी करते हैं, पी ब्लॉक में भी काफी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है? तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल स्पीसीज अंडर गो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो मरकरी जो आपका है, इस केस में मरकरी क्या है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे मरकरी जब एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जीरो। और यहाँ बात करें तो यहाँ मरकरी क्या है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर हम बात करें तो प्लस वन से जीरो पे जा रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ प्लस वन से किस पे जा रहा है, प्लस टू पे जा रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन जब डिक्रीज करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं मरकरी पे ही ऑक्सीडेशन हो रही है और मरकरी पे ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। बाकियों में भी ध्यान से देखिए, अगली काफी इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक की रिएक्शन है, सीबीएसई में काफी बार आ चुकी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है हमारा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस थ्री। यहाँ पे फॉस्फोरस हमारे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस फाइव। और यहाँ पे अगर मैं फॉस्फोरस निकालू कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, माइनस थ्री। वैसे तो आप सब व्यूअर्स को ऑक्सीडेशन नंबर देखने आता होगा, मगर अगर किसी को नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जरूर देखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस थ्री से किस पे जा रहा है, प्लस फाइव, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हम बड़े इजिली कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और प्लस थ्री से किस पे जा रहा है, माइनस थ्री, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक ही एलिमेंट के थ्रू यानी फास्फोरस से ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर अगले केस में देखें तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो भी दिखाता हूं मैं। जैसे हाइड्रोजन का वन है, जिसकी निकालनी होती है उसे एक्स मान लो, ऑक्सीजन माइनस टू, तीन ऑक्सीजन है तो माइनस सिक्स, और ऊपर कंप्लीट पे चार्ज क्या दे रखा है, माइनस वन। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे पता है माइनस फाइव, और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो कार्बन यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे निकाले तो क्या होगा, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ पे भी कार्बन हमारा क्या है, प्लस वन एक्स माइनस सिक्स, तो ये कितना हो गया, माइनस फाइव, माइनस फाइव उधर गया, प्लस फाइव हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी है हमारे, तो उस क्या आता है, एक्स इक्वल टू प्लस फोर। और यहाँ पे भी देखिए तो क्या है, कार्बन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू, और कार्बन क्या है, एक्स, और ऑक्सीजन क्या है, माइनस सिक्स, तो एक्स क्या हो गया, प्लस फोर। तो इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ना तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना ही ये रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे कोई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारी नहीं हो रही है। तो इस तरह हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, ये दोनों चीजें अगर चेंज हो रही हैं तो उसी केस में केवल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। अब अगले केस में आते हैं H2O2, उसको मैं थोड़ा सा ठहर के इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना भी आपको सिखाऊंगा। तो पहले मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है और कहां, जरूरी नहीं कि हर एक रिएक्शन दिख रही है कि दो हो रही है, चेंज हो रहा है। तो कई रिएक्शन ऐसी भी होती है जहां पे ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडॉक्स, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कौन सी टाइप है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये क्या है, जस्ट रिवर्स है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, वेल नोन रिएक्शन आप सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी सेल। तो लेड स्टोरेज बैटरी सेल में भी कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है। क्या होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन, देखते हैं यहां लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
जीरो। यहां पे अगर मैं लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू क्या आएगी प्लस फोर, और यहां पे अगर मैं लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो क्या आता है प्लस टू। तो ध्यान से देखिए जीरो से किस पे जा रहा है प्लस टू पे, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और प्लस फोर से किस पे जा रहा है प्लस टू पे, तो यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे इंक्रीज कर रहा है और यहां पे क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। बट अब ये रिवर्स हो गया, यहां दो अलग अलग स्पीसीज एक ही, जैसे लेड जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको जैसे इसका उल्टा हो गया, यहां क्या था सेम स्पीसीज पे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी पीबी प्लस टू है और यहाँ पीबी क्या है जीरो है, यहाँ पीबी क्या है प्लस फोर, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, तो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द। तो ये नहीं केवल एक दो ही रिएक्शन है, आपके सामने मैंने इतने सारे रिएक्शन मेंशन कर रखे हैं, इन सब में जब हम देखेंगे तो यहां पे बात करें माइनस टू सल्फर क्या है प्लस फोर, यहां पे जीरो, तो माइनस टू से अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की यहां निकालेंगे तो प्लस थ्री आएगी, यहां निकालेंगे प्लस फाइव आएगी, और यहां पे क्या है जीरो, सॉरी यहां पे माइनस थ्री आएगा नाइट्रोजन एक्स माइनस प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, तो यहां पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितना आएगा माइनस थ्री, तो हम देख सकते हैं कि सेम डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रही है, यहां पर अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी प्लस फाइव, और यहां पे निकालेंगे माइनस वन जीरो और ये क्या है जीरो, तो प्लस फाइव से जीरो रिडक्शन, माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन, तो इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था कि मैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, तो उसकी बात करते हैं कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। चलिए अब इक्विवेलेंट वेट अगर आपको ध्यान हो तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे एन फैक्टर पता है, एन फैक्टर इसे हम क्या बोलते हैं एन फैक्टर, अगर मुझे एन फैक्टर पता है तो मैं क्या करता हूं मुझे इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं वैलेंसी क्या है। अब देखिए मैंने तीन एग्जांपल छोड़ दिए थे, इनको एक्सप्लेन नहीं किया, अब मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर हम ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन क्या है माइनस वन, यहां पे ऑक्सीजन क्या है माइनस टू, और यहां पे ऑक्सीजन क्या है जीरो, तो माइनस वन से माइनस टू क्या हो रहा है रिडक्शन, कितने से बाय वन इंटू टू टू इलेक्ट्रॉन। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये टू कहां से आ गया, यहां से देखिए बेटा एक ऑक्सीजन के लिए चेंज जो है वन इलेक्ट्रॉन क्या केवल माइनस वन से जीरो पे, मगर यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं ध्यान से देखिए यहां ऑक्सीजन कितने हैं दो, तो हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह माइनस वन से जीरो पे जा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा ऑक्सीडेशन वन इलेक्ट्रॉन से हो गया, मगर दो के लिए क्या हो जाएगा टू इंटू वन टू इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन भी दो इलेक्ट्रॉन से हो रही है और रिडक्शन भी टू इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है तो वही उसका क्या होगा एन फैक्टर हो जाएगा, तो इस केस में इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा टू, तो इस केस में क्या हो जाएगा एन फैक्टर टू। अब इसका मोलिकुलर वेट होता है ऑक्सीजन का 16 दुनी बत्ती और 2 34 34 अपॉन 2 कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या आ जाएगा 70। तो इस तरह तो बेटा इक्विवेलेंट वेट की बात करें हम तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हो जाएगा, अभी हमने एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका एन फैक्टर भी हमने निकाला, एन फैक्टर क्या होता है टू एस टू ओ टू, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 34 अपॉन 2 तो क्या आ जाएगा 70। तो इस तरह हम इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकाल सकते हैं। अगले केस में चलते हैं, कॉपर यहाँ पे क्या है बेटा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ क्या है जीरो और यहां मैंने लिख रखा है प्लस टू, तो प्लस वन से जीरो, प्लस वन से जीरो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वन, और प्लस वन से प्लस टू कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वन, यहाँ पे कॉपर कितना है वन, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन भी वन इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही है रिडक्शन भी, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा वन। तो
इस केस में इस कंपाउंड का अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं तो मोलिकुलर वेट अपॉन क्या आ जाएगा, वन। तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा और मोलिकुलर वेट से उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड। मतलब नेक्स्ट केस देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो यहां पे जो है थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, वहां क्लियरिटी नहीं आ रही। 12OH नेगेटिव प्लस 6Br2 गिव्स 10Br नेगेटिव प्लस 2BrO3 प्लस 6H2O। अब ये रिएक्शन है मान लो मेरे पास, तो यहां पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। यहां ब्रोमीन क्या है, -1, और यहां ब्रोमीन जब हम निकालेंगे तो यहां BrO3 नेगेटिव होगा, तो ब्रोमीन क्या होगा, +5। तो हम देख सकते हैं कि जीरो से किस पे जा रहा है, -1 पे। तो जीरो से -1 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हम ये कहेंगे भाई रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं यहीं से बात करूं कि यहां पे कितना हो रहा है, तो जीरो से +5 पे जा रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, +5 पे जा रहा है। तो +5 पे जा रहा है तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीडेशन बाय कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बाय 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको दो तरीके हैं करने के, एक तो मैंने फार्मूला मेंशन आपको कर रखा है एन फैक्टर निकालने के लिए। ये फार्मूला तब लगेगा जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और रिडक्शन के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो अगर डिफरेंट है, तो लगा के देखते हैं पहले फार्मूला एन फैक्टर के लिए। वैसे यही ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पे एक तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो और एक 10 का, तो हमारा 2 × N1 × I2, तो दोनों जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कर देना, +N1 + N2। तो ये हमारा क्या आ गया, 20/12, और मैं इसे क्या कह सकता हूं, 10/6, और इसे क्या कह सकता हूं, 5/3। तो यहाँ पे जो बेटा एन फैक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5/3। ये मैंने आपको एक सिंपल मेथड दिया है कि अगर किसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीडेशन में अलग हो रहा है, रिडक्शन में अलग हो रहा है, तो आप एक सिंपल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं एन फैक्टर निकालने के लिए, क्या, N1 × N2 / N1 + N2। तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5/3। तो अगर मुझे इसका इक्विलेंट वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो इसका इक्विलेंट वेट है डिवाइडेड बाय 5/3, तो मेरे पास इक्विलेंट वेट आ जाएगा। तो इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, उसका कैसे इक्विलेंट वेट निकालते हैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।